1, यदि दूध की मलाई में एक चम्मच चीनी डालकर फेंटा जाए तो मक्खन ज्यादा मात्रा में निकलता है। 2, सूखे हुए मकई को एक दिन धूप में रखें, इससे पॉपकॉर्न अच्छे बनते हैं। 3, दूध से मलाई ज़्यादा निकालने के लिए पहले दूध को अच्छे से उबालें, उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दें और फिर उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, इससे दूध में मलाई अधिक मात्रा में मोटी जमेगी। 4, पानी वाले ताजे नारियल को आसानी से फोड़ने के लिए पहले नारियल का सारा पानी ऊपर से छेद करके निकाल लें और फिर उसे गैस बर्नर पर रख कर 2 से 3 मिनट तक सेकें, इससे नारियल का ऊपर वाला कड़क हिस्सा आसानी से चटक कर अलग हो जाएगा। 5, हलवे में सूखी चीनी डालने की जगह चाशनी बनाकर डालें। 6, टमाटर सूप को गाढ़ा व स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा ब्रेड चूरा डालकर मिक्सी में चलाएं। 7, केले का गुच्छा लटका कर रखने से केला 5 से 6 दिनों तक खराब नहीं होगा। 8, बेसन के घोल में जरा सी उड़द की दाल का पेस्ट डाल देने से पकौड़ियों का स्वाद बढ़ता है। 9, दूध को उबलते समय दूध के बर्तन पर एक लकड़ी का बड़ा चम्मच रख दें, दूध बाहर नहीं गिरेगा। 10, अगर दही नहीं जमा है तो एक समतल थाली में पानी लें और फिर इसमें दही वाले बर्तन को रखें, फिर देखिए 1 घंटे में दही जमकर तैयार हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखें बर्तन हिलाना नहीं चाहिए, बर्तन एकदम स्थिर रखें। 11, बरसात के दिनों में मसालों को खराब होने से बचने के लिए उन्हें कांच के जार में रखें। समोसे का आटा गूंथते समय इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला लें, इससे समोसे कुरकुरे बनेंगे। 13, चावल को बरसात में पड़ने वाले कीड़ों से बचाने के लिए उसमें पत्ती सहित नीम डंठल रख दें। 14, प्याज काटने के बाद अक्सर इसकी गंध हाथों में रह जाती है, इससे छुटकारा पाने के लिए हाथों में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें व रगड़ कर वॉश कर दें। 15, आलू की टिक्की के मसाले में 1 कच्चे केले को उबाल कर उसमें मिलाएं, ऐसा करने से टेस्ट बढ़िया आता है। 16, दाल को जल्दी पकाने व टेस्टी बनाने के लिए उसमें जरा सी हल्दी का पाउडर व कुछ बूंदी तेल की डाल दें। 17, टमाटर से छिलका उतारने के लिए टमाटर पर एक क्रॉस बनाएं, फिर इन्हें उबालें, छिलका आसानी से उतर जाएगा। 18, मसालों में थोड़ा सा नमक मिला दें, इससे मसालों में जाले नहीं पड़ेंगे। 19, रसगुल्ला स्पॉन्जी बनाने के लिए रसगुल्ले को चाशनी में पकाते समय जब रसगुल्ले चाशनी में फूलने लगें तो बीच बीच में उसमें 1 से 2 बड़े चम्मच पानी डालें, इससे चाशनी गाढ़ी नहीं होगी और रसगुल्ला ज़्यादा स्पॉन्जी बनेगा। 20, गुलाब जामुन को एकदम सॉफ्ट और अंदर से रसीला और जालीदार बनाने के लिए खोया में थोड़ा सा पनीर या छेना डालकर मिलाएं, गुलाब जामुन एकदम रसीले मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगे। 21, छेना फाड़ने के बाद उसके पानी का उपयोग पराठे के आटे को गूंदने में करें, इससे पराठे ज़्यादा टेस्टी और मुलायम बनेंगे। 22, गुड़ की चाशनी बनाते समय अगर कढ़ाई में थोड़ा सा घी या तेल लगा देंगे तो चाशनी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। 23, अगर आप बेकिंग करने जा रहे हैं तो ओवन कुछ देर पहले ही गर्म होने रख दें। 24, सब्जी में खटाई सब्जी पक जाने के बाद ही मिलाएं। 25, आम के अचार को बनाते समय इसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर मिलाएं, इससे अचार ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। 26, सलाद काटते समय हमेशा सब्जियां तिरछी काटें, इससे इनका जूस बरकरार रहता है। 27, ग्रेवी की रंगत अच्छी रखने के लिए मसालों के साथ जरा सा चुकंदर डाल दें। 28, बारिश के मौसम में नमक को पानी होने से बचाने के लिए उसमें 1 मुट्ठी चावल रख दीजिए। 29, क्रिस्टल क्लीन बर्फ जमाने के लिए पानी उबालने के बाद उससे बर्फ जमाएं। 30, चावल बनाते समय इसमें 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, जिससे चावल ज़्यादा सफ़ेद व खिले खिले बनेंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये टिप्स कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।